वेलकम टू फूडिस्तान। मैं स्वाति कामत आज आप सभी के साथ हॉट एंड सार सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में गरम गरम सूप मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। हॉट एंड सार सूप चाइनीज़ क्यूजीन के पॉपुलर सूप में से एक है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। हॉट एंड सार सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 3 से 4 चम्मच हरी प्याज, जिनका मैंने वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट अलग कर दिया है और इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए ये 1/4 कप पत्ता गोभी, आधा छोटे साइज़ का गाजर, सभी चीज़ों को मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है। 3 से 4 फ्रेंच बीन्स, 3 चम्मच शिमला मिर्च, 3 मशरूम, इनको भी मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन, इन दोनों को भी आप ऐसे छोटा कट कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी लिया है, 1 नींबू का रस लिया है, आप इसकी जगह 1 चम्मच विनेगर भी ले सकते हैं, 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च, 2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच टमाटो केचप, आप इसकी जगह 1/2 चम्मच चीनी भी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चिली ऑयल भी लिया है जिसको मैंने घर पे बनाया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी रेसिपी बता देती हूँ। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ये ड्राई रेड चिली और 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इन दोनों चीज़ों को मिक्सिंग जार में डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको पीसना है। अब आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स करके ऑयल को बहुत ही आपको अच्छे से गर्म करना है और फिर इसमें डाल दें। थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि फिर ये ऐसे ऊपर को आता है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इस ऑयल को तुरंत यूज़ कर सकते हैं, पर अगर 1-2 दिन और रख के यूज़ करेंगे तो इसका कलर और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप इसको कोई भी चाइनीज़ क्यूजीन या नॉर्मली अगर आप किसी में भी जैसे नूडल्स या किसी भी खाने में डालना प्रेफर करते हैं तो आप डाल सकते हैं। बस हमारा चिली ऑयल तैयार है। इस ऑयल को आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हमारा सूप बनाना शुरू करते हैं। अपनी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच ऑयल डालें और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए आप उसमें अपने लहसुन अदरक और प्याज तीनों एक साथ डाल के इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही सौते करें। अब इसमें बीन्स और गाजर डालें। मैं इनको पहले डाल रही हूँ थोड़ा, क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, और इनको ऐसे ही सौते करें कुछ सेकंड के लिए। अब इसमें मशरूम, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डाल के इन सभी चीज़ों को आप लगातार मैक्स 1 मिनट के लिए चलाएं। आपको बस इन चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करना है, फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखनी है। अब आप इसमें 4 कप पानी डालें, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो केचप, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 उबाल आने तक इनको ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएं। जब ऐसे उबाल आने लग जाए आपको बनानी है स्लरी। स्लरी कॉर्नस्टार्च और पानी का मिक्सचर होता है जो कि हमारी ग्रेवी सॉस इन सबको थिक करता है। इनको ऐसे इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, कोई भी इनमें लम्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको लगातार अच्छे से मिक्स करना है। बस इसको अब डाल दें और इनको अच्छे से मिक्स करके आप देखेंगे कि हमारा सूप अभी पतला लग रहा है, ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जब ये इस कंसिस्टेंसी में ऐसे पहुंच जाए आपका सूप बस तैयार है, क्योंकि ये रख के और भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। हम जब इसमें कॉर्नस्टार्च डालते हैं, आप इसको जितनी देर रखोगे ये उतना ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो बस इस पॉइंट में गैस की फ्लेम को बंद कर दें, हमारा सूप तैयार है।
चलिए इसको अच्छे से सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो अपने चॉइस की कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं या इन वेजिटेबल्स को भी किसी और शेप में कट कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा चिली ऑयल डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, पर इससे सूप का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने इसकी आपको रेसिपी भी बता दी है। अब बस स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। ये देखिए हमारा हॉट एंड सार सूप तैयार है, लग रहा है ना कितना बढ़िया, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सो ये है मेरी हॉट एंड सार सूप की रेसिपी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट पे बताएं आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।